ग्राम पंचायत फत्तूपुर प्राथमिक विद्यालय में 105 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एक प्रधानाचार्य, दो सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र है। वहाँ पर एक साल से नल खराब है, जिससे वहाँ की रसोइयाँ, अध्यापक और बच्चों के लिए पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। विद्यालय का हैंडपंप कब से खराब है? लगभग 7-8 महीने से खराब है। इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? इससे परेशानियाँ होती हैं, बच्चों को पानी पीने की दिक्कत होती है, अध्यापक लोगों को पानी पीने की दिक्कत होती है, बच्चे खाना खा करके गाँव में जाते हैं पीने, वहाँ से डांटे जाते हैं, मारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, लोग चिल्लाते हुए इधर आते हैं, बैठते हैं किसी तरह। हम लोगों ने गांव के 2-4-6 लोगों के साथ में प्रधान जी से बोला और प्रधान अध्यापक जी से बोला, उसके बाद फिर भी इस पर वो लोग कहे ठीक है बनवा देंगे, अभी तक नहीं बना। हैंडपम्प हमारा खराब है करीब सालों से, बच्चे पानी पीने जाते हैं गाँव के लोग तो वहाँ से भगाते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने हैंडपम्प से पानी पियो। तब लोगों ने पहल किया? पहल तो कितना एप्लीकेशन हम लोग दिए, कम से कम 200 एप्लीकेशन विभाग को, BDO को, जो अधिकारी आते हैं उनको सूचित करते हैं, कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। आपके विद्यालय का नल कब से खराब है? 6 महीने से। क्या आप लोगों ने इसका कोई प्रयास किया? हाँ बिल्कुल प्रयास किया। किससे कहें? प्रधान से, BSA से, यहाँ जो भी मास्टर है उनसे कहा गया। इससे बच्चों क्या क्या परेशानियाँ होती हैं नल के खराब होने से? पानी पीने के लिए, भोजन करके उठते हैं तब उनको मुँह हाथ धोने के लिए, और जब उनकी प्यास लगती है तो दूर जाते हैं तो वहाँ डाटा जाते हैं, वो टट्टी जाते हैं, प्यास लगती है तभी वो पानी हेरते हैं, बहुत परेशानी होती है। मैं चाहती हूँ कि प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर में तत्काल नल को लगवा कर वहाँ की पानी की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि वहाँ के बच्चों, रसोइयों, अध्यापक को पानी पीने के लिए राहत मिल सके और अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। मैं अपील करना चाहती हूँ कि BSA के मोबाइल नंबर 94-53-00-40-67 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं चंदा भारती, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, इंडियाना हट के लिए।